यह वीडियो एम एस एक्सेल पर आधारित है। इसकी सहायता से आप एक्सेल 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 पर कार्य करना सीख सकते हैं, क्योंकि एम एस एक्सेल के सभी वर्जन का मूल कॉन्सेप्ट एक अंतर केवल यह है कि जैसे जैसे नए वर्जन आते हैं उनमें कुछ परिवर्तन कर दिए जाते हैं, कुछ नए फीचर्स जोड़े जाते हैं, किंतु बेसिक फीचर्स वही रहते हैं। प्रेजेंटेड बाय द कंप्यूटर कोर्स एम एस एक्सेल 2007, 10, 13, 16, 19 में हम देखेंगे फुल नेम को स्प्लिट करना। एक्चुअली जहाँ पे फुल नेम लिखा रहता है और अगर हमको अलग अलग दो ब्रैकेट में डालनी है, सेल में डालनी है, उसके लिए इसको स्प्लिट का यूज़ किया जाता है। जैसे किसी का नाम है, मान लीजिए आरती वर्मा है, तो आरती को अलग करना है, वर्मा को अलग करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेम को स्प्लिट करना पड़ेगा। इसके लिए हम स्प्लिट फार्मूले का उपयोग करते हैं। एक लेफ्ट राइट फार्मूला भी है, स्प्लिट फार्मूला भी है, तो मल्टीपल फार्मूले यूज़ करके हम ये काम करते हैं। चलते हैं, देखते हैं हम इसको। एक जैसे यहाँ पे नाम दिया गया है, जिनको पहले मैं एक जनरल फार्मूले से करके आपको दिखाता हूँ। तो पहले आप क्या करिए, अपन इसमें इंटर टाइप कीजिए, इंटर लगा करके आप लेफ्ट लिखिए, लेफ्ट आपने लिखा, यहाँ पे लेफ्ट आ गया, इस पर डबल क्लिक कर दीजिए और जो ये है सेल, इसको आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कामा लगाइए और कामा लगाने के बाद कितने आपके इसमें नंबर्स आप वर्ड हैं, वर्ड लिखिए। हमारे पास पाँच लिखे, हमें पाँच किया और फिर यहाँ पे हमने क्या किया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, इंटर मारा, यहाँ पे जो हमारा नाम है ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है। अब इसको जैसे हम खींचते हैं नीचे तक, ड्रैग करते हैं, तो ये जो नाम है हमारा मकदीरा जो है, ये पूरा नाम नहीं है, ठीक है, कुछ नाम पूरे नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि जो हमारे यहाँ पे हमने फाइव पे, यहाँ पे हमारी जो सेल थी ये लॉक हो गई थी, केवल यहाँ फाइव करेक्टर ही ले सकता है, जहाँ सिक्स करेक्टर है वो सिक्स करेक्टर नहीं ले सकता, जिसके लिए हमको दूसरे फार्मूले का यूज़ करना पड़ता है। चलते देखते हैं दूसरा फार्मूला क्या है। इसके लिए आपको पहले इंटर लगाना है, इंटर लगाने के बाद आपको सेम लेफ्ट लिखना है, लेफ्ट आपने लिख दिया, डबल क्लिक कीजिए, डबल क्लिक करने के बाद जो आपका ये वर्ड है, वर्ड को आप ले लीजिए, इसको आप कामा लगाइए, कामा लगाने के बाद आपको लेना है दूसरा जो फार्मूला है, जिसको हम बोलते हैं फाइंड, जहाँ हम लगाते हैं फाइंड, तो ये फाइंड फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे फाइंड लगा दिया हमने, फाइंड लगाने के बाद हमको क्या चाहिए, यहाँ दोनों के बीच में स्पेस है, स्पेस से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्पेस ले लेते हैं। हमने यहाँ पे स्पेस लिया, स्पेस ब्रैकेट क्लोज किया और उसके बाद फिर से हम ये खाने को सेलेक्ट कर देते हैं, जहाँ पे हमारा पूरा लिखा हुआ नाम है, और हम दो बार ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और जैसे इंटर लगाते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो ये नाम था इसमें फार्मूला लग चुका है, यहाँ पे नया नाम आ चुका है। ये नाम को मैं ऐसे खींच देता हूँ, देखेंगे अब ये जो नाम पहले आधा आया था मकदीरा तिवारी का, अभी माधी आया था वो पूरा हो चुका है। क्यों हुआ, क्योंकि हमने फार्मूले में यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव किया, यहाँ पे हमने फाइंड को ऐड किया। हम यहाँ पे इंटर करते हैं राइट, ठीक है, और लगा लेते हैं यहाँ पे राइट, राइट हमने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद राइट पे हम लगाते हैं जो सेम सेलेक्ट करते हैं अपना, हम सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक करने के बाद हम जो हमारी सेल है, सेल को हमने सेलेक्ट कर लिया, सेल को सेलेक्ट करने के बाद हमको यहाँ पर डालना पड़ेगा कामा, कामा के बाद हमको लेनी पड़ेगी लेंथ, क्योंकि हमारा जो ये फार्मूला है इसमें कितनी इसकी लेंथ है वर्ड की, इसमें यहाँ पर पता होना है। यहाँ पर हम टाइप करते हैं लेंथ, जैसे लेंथ टाइप करते हैं लेंथ आ जाती है, इस पर डबल क्लिक कर देते हैं और ब्रैकेट लग जाता है। लेंथ के बाद जो हमारा सेल है, जहाँ पे हमारा डाटा है, उसको हम सेलेक्ट कर देते हैं, सेलेक्ट करने के बाद हम उसको ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। हमने ब्रैकेट क्लोज किया, अब देखेंगे जो हमारा पूरा नाम है वहाँ पर दो चीज़ें हैं, यहाँ पे फुल नेम है और ये है, यहाँ पे हेल है जो हमारा फुल नेम में इस सेल में है, इसमें से हमको फर्स्ट नेम को हटाना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, हमने माइनस चिन्ह लगा दिया, इससे हट गया। अब लगाते हैं फाइंड फार्मूला, एफ आई एन डी, जैसे फाइंड हमने टाइप किया, हमें फाइंड फार्मूला आ चुका है। अब फाइंड फार्मूला लगाने के बाद हमने क्या किया, हमको स्पेस चाहिए बीच में गैप है, तो हम यहाँ पे स्पेस लगा देते हैं, इन्वर्टेड कामा, स्पेस कामा, फिर हमारा जिस सेल में डाटा पूरा है वो सेल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर डाटा हमारा हमने इसको सेलेक्ट किया और ब्रैकेट को हमने दो बार क्लोज किया, क्लोज करने के बाद हमने इंटर मारा, जैसे इंटर मारते हैं हमारा यहाँ पे पूरा नाम आ चुका है, इसको हम ड्रैग करके खींच देते हैं। दोस्तों आपने देखा
कैसे आसानी से हमने यहाँ से नाम को स्प्लिट करके डाल दिया यहाँ पर। 2007, 10, 13, 16, 19 में हमने फुल नेम को स्प्लिट करना सीखा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।